अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैर वाफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे गेस्ट पोस्ट के कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह 8वीं वीडियो है। आज हम इस वीडियो में लाइव सीखेंगे कि किस तरह आपने बड़े बड़े क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, किस तरह आपने उनके साथ रबते करने हैं, किस तरह आपने उनको फाइंड करना है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको ए टू जेड सिखाऊँगा। तो हमारा जो कोर्स है वो इख्तिताम पज़ीर को है। मोस्टली जो है हमारा काम वो कंप्लीट हो गया है, पीछे कुछ रहता है। और इंशाल्लाह वन बाय वन जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी मैं इंशाल्लाह बना बना के कोर्स से रिलेटेड इंशाल्लाह मैं अपलोड करता रहूँगा। आपने चैनल को विज़िट करते रहना है तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हम चलते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपको दिखाते हैं कि किस तरह आपने गूगल से बड़े बड़े क्लाइंट्स को फाइंड करना है। तो जी दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन ओपन हो गया। आपने सबसे पहले जब मैंने आपको बताया था कि किस तरह आपने कैश पोस्ट की लिस्ट बनानी है, किस तरह शीट रेडी करनी है, किस तरह उनके एसईओ मैट्रिक्स लिखते हैं, हम वो वाली शीट आज दोबारा ओपन करते हैं। ठीक है, वो ये वाली शीट थी। ठीक है, यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, कैश पोस्ट वेबसाइट्स। ठीक है, आप ये भी दे सकते हैं जब आप कैश पोस्ट की एक लिस्ट बनाएंगे जो आपने क्लाइंट्स को दिखानी है। इसके अलावा यहाँ पे आप लिख दें कि क्लाइंट्स टारगेट वेबसाइट्स, आपने क्लाइंट्स की वेबसाइट्स को टारगेट करना है। राइट, तो आप मिसाल ले लीजिए यहाँ पे डोमेन कैटेगरी DA DR ट्रैफिक स्पैम स्कोर प्राइस, ये सारी बातें आपको पता हैं। सेम आपने क्या करना है, आपने इसी तरह एक लिस्ट बनानी है जिस तरह ये लिखा हुआ है, क्लाइंट टारगेट वेबसाइट्स। आपने सिंपल यहाँ पे एक डोमेन का आपने बना लेना है, सेम एज इट इज़ जो है यहाँ पे। आप यहाँ पे ज़्यादा कुछ मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे DA, यहाँ पे DR, ठीक है, और यहाँ पे ट्रैफिक। ठीक है, इसके अलावा सेम आपने यहाँ पे लिख लेना कॉन्टैक्ट मैथड। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपने स्टेटस डाल देना है, जो भी डेट डाल दीजिए। ठीक है, अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने गूगल पे आना है। आपने यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट्स होंगे ना वो गूगल पे हमें मिलेंगे। अब देखें गूगल से आपने किस तरह क्लाइंट फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपने वेबसाइट सर्च करनी है, वो वाली वेबसाइट्स जिनके DA DR बहुत ही लो हों, जिनकी बहुत ही कम ट्रैफिक हो, लाइक जिनकी चंद ट्रैफिक हो, लाइक जिनकी 20, जिनकी 100, जिनकी 50, यहाँ तक ट्रैफिक हो, जिनका DR 2-3 हो, DR 7 हो, 10 हो, 15 हो, आपने उन वेबसाइट को टारगेट करना है। उनको कैसे करना है, यहाँ पे मोस्टली आप कोई भी कीवर्ड्स टाइप करें। अब यहाँ पे जो आपने कीवर्ड्स टाइप करना है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट वेबसाइट का यूआरएल नहीं लिखना, वो तो आ जाएगी। आपने यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स टाइप करना है, लाइक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या हैं। यहाँ पे हम आते हैं, हम मिसाल ले लीजिए हम हैंडबैग्स लिख देते हैं, हमें अगर हैंडमेड ज्वेलरी, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं हैंडमेड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स होते हैं लाइक बेस्ट गेम्स, बेस्ट स्मार्ट वॉचेस, बेस्ट गैजेट्स, ठीक है, और बेस्ट स्मार्टफोन्स, काफ़ी हैं। आप इसके आगे 222 लिख दें और इसके साथ आप ये लगा दें 2022, तो ये थोड़ा सा और लिमिटेड कीवर्ड्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखें हैंडमेड ज्वेलरी, ठीक है, यहाँ पे खुद ही आपको सर्च बार में शो करने लग जाए। यहाँ पे आ गया हैंडमेड ज्वेलरी ट्रेंड 2022, ठीक है, यहाँ पे आपने ओपन कर लेनी है। अब देखिए हमारे क्लाइंट्स कहाँ पर है, ये देखिए, ये तो आपने ओपन किया है तो ये तो सर्च बार में कुछ वेबसाइट्स आ गई हैं जो फर्स्ट पे शो हो रही हैं। तो ये जो फर्स्ट पे शो हो रही हैं इनके तो ऑलरेडी SEO हुई हुई है, यानी कि इनका कीवर्ड्स टाइप करने पे ये फर्स्ट पेज पे रैंक हो रही हैं। आपने गूगल के 7वें-8वें पेज पे जाना है जो कि बहुत ही पीछे हों। आपने उन वेबसाइट की एक लिस्ट बनानी है। 8वें-10वें-12वें-15वें पेज पर आपने चले जाना है, वहाँ पर आपने उन वेबसाइट की अपनी लिस्ट बनानी है। जब आप लिस्ट बनाएंगे DA DR ट्रैफिक मेंशन करेंगे, फिर आपने उनके ईमेल जो फाइंड करनी है, वो भी मैंने आपको बताया था, आपने ईमेल लिख लेनी है। उसके बाद फिर आपने उन जो वेबसाइट्स के मालिक हैं, वो जो हमारे टारगेट क्लाइंट्स हैं, बड़े क्लाइंट्स हैं, जो एफिलिएट मार्केटर्स हैं, उनको आपने ईमेल करनी है। ठीक है,
अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह पेज 7 पे जाना है गूगल पे, किस तरह पेज आपने स्क्रॉल डाउन करते जाना है नीचे। तो ये तो बहुत ही अच्छी साइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लगाया हुआ टूल, तो यहाँ पे विजिटर काफ़ी आपको शो हो रहे होंगे। यहाँ पे आपने नीचे जाना है, ये देखिए ये 8 पेज पे चले जाएँ लाइक, ठीक है। आप यहाँ पे नंबर 8 पेज पे चले जाएँ और यहाँ पे आपने यूआरएल को कॉपी करना है। आपने यहाँ पे आना है और AHREF आपने ओपन किया, राइट। और इसके बाद आपने जाना है बैच एनालिसिस का, मैंने आपको बताया था कि आप एक ही वक्त में 200 डोमेन चेक कर सकते हैं। आपने यहाँ पे कंट्रोल भी कर देना है, ये वेबसाइट का हमने कॉपी करना था, सॉरी, ये साइट ओपन हो गई है यहाँ पे। आपने यहाँ से इसका यूआरएल कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको कुछ जो है ना यूआरएल मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मैं काम थोड़ा सा जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पे आएँ और आप ये भी ओपन कर लें, इसके अलावा आप ये भी ओपन कर लें, इसके अलावा ये आप ओपन कर लें, ट्यूरिटी की साइट ये भी ओपन कर लें, ये आपने काफ़ी सारी साइट्स ओपन कर ली, ठीक है। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे आप यूआरएल कॉपी कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप इसे AHREF में पेश करते जाएँ साथ और इंटर दबाएं। और आपने अब ये साइट्स भी कर ली है, और अब आपने ये साइट, ठीक है जी, आपने यहाँ पे आना है और आप एक बार ये सारी कुछ जो है ना साइट्स, आप ये जो हैं ये देखिए, काफ़ी सारी साइट्स होंगी। आप यहाँ पे एटलीस्ट 100 डोमेन्स या 50 डोमेन्स तक यहाँ पे पुट कर सकते हैं, राइट। तो इन वेबसाइट्स के तो DADR बहुत अच्छे हैं, ये 7th पेज पे होके भी इनके अच्छे मैट्रिक्स हैं। हम कोई और देखते हैं, ठीक है। तो जी दोस्तों, आपने इस तरह सर्च करते रहना है, काफ़ी वेबसाइट्स इस तरह ओपन होंगी। आप इनमें से यानी कि आप ये वेबसाइट देखें, इसमें हम इसका यूआरएल टारगेट करते हैं, इसमें हम ये वेबसाइट, आपने आउटरीच से घबराना नहीं है, आपको ये करना ही पड़ेगा। इसी तरह आपको वेबसाइट फाइंड करनी पड़ेगी, ये आप देखिए इसके अंदर, इसे आप पेस्ट कीजिए, ठीक है। और इसके अलावा एक और जो है यूआरएल पेस्ट कीजिए यहाँ से, ये यूआरएल पेस्ट कीजिए, राइट। हम इसको भी देख लेते हैं, ये आप यूआरएल पेस्ट कीजिए, ये साइट का DR और इसकी ट्रैफिक भी बहुत काम है, ये भी हमारे टारगेट साइट्स है, ये भी हमारे टारगेट क्लाइंट्स हैं। थोड़ा सा AHREF टाइम ले रहा है, सो ओपन हो गया। इसकी देखिए, इसका DR 0 है, इसकी ट्रैफिक 37, तो ये भी हमारा है बहुत अच्छा क्लाइंट है, हम इसको भी टारगेट करेंगे, इससे भी कॉन्टैक्ट करने की, इससे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब इसके अलावा हम और भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, जो साइट्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े ब्लॉग्स हैं जिनका DR 90+। हम इससे आगे वाले पेज पे चले जाते हैं। आपने सर्च करते रहना, आपने हर एक नीश को, यानी कि ये तो मैंने एक कीवर्ड्स आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बताया, आपने इसके अलावा भी बहुत सारे कीवर्ड्स को आपने टच करना है, राइट। हम ये वाला ओपन कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला हम इसको देख लेते हैं। इसके यूआरएल को यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आप इंटर कंट्रोल पेस्ट करके, ठीक है। यहाँ पे भी हम चेक करते हैं, ये देखिए इसका DR 7 है, इसकी ट्रैफिक 1600, ठीक है, यानी कि 1655 ट्रैफिक है, तो ये भी हमारा एक अच्छा क्लाइंट बन सकता है। इसके अलावा और भी सर्च करते हैं हम, यहाँ पे काफ़ी साइट्स हैं जो कि हम चेक कर सकते हैं, ये चेक करते हैं इसका क्या है, ये कोई इसका नाम है टिक
टॉप टेक, ये मुख्तलिफ डोमेन्स के मुख्तलिफ नेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने पेस्ट किया, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, अभी मैंने आपको ईमेल भी करना सिखानी थी इसकी इसकी छत्तीस यानी कि इसके भी ठीक है, हम इसको भी टारगेट कर लेंगे, ठीक है। जिस साइट्स का ट्रैफिक तकरीबन 10-15 हज़ार हो, आप उनसे भी बात कीजिए, आप 50 हज़ार वाली साइट्स को भी आप डील कीजिए, उनको भी बहुत सारी गैस पोस्ट की ज़रूरत होती है। ये वेबसाइट जो होती हैं, ये हर मंथ काफ़ी सारी गैस पोस्ट बाय करते हैं, इनको लिंक्स बिल्डिंग ज़रूरत होती है, यानी कि जिस साइट्स की ट्रैफिक 50 हज़ार होगी, उसके एडमिन की उसके मालिक की यही कोशिश होगी कि इसकी ट्रैफिक अराउंड 1 लाख के करीब हो जाए या 1 लाख से ज़्यादा हो जाए, तो ये लिंक्स का काम करते ही रहते हैं, हर मंथ इन्हें ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, और भी साइट्स हम इसमें से देख लेते हैं, ठीक है, और थ्री पे आ जाते हैं, कुछ हम इस तरह चेक कर लेते हैं, राइट, इसमें से थोड़ा सा टाइम ले रहा है और ओपन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। और मोस्टली यहाँ सारी साइट्स ही बहुत अच्छी हैं, एक्चुअली हम काम करें इससे हमें पता चल जाता है, यानी कि यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है बहुत ही अच्छी ये साइट्स है, www.digitaltrends.com, ये बड़ी साइट्स हैं, तो इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्रैफिक होगी, अच्छे विजिटर होंगे। सो यहाँ पे कोई भी साइट्स जो है ना, यहाँ पे छोटी साइट्स नहीं बड़ी साइट्स हैं, और जिस नंबर टू चेक कर लेते हैं, हमें भी नज़र आ जाएगा, ये आ गया कैशिफाई, ये सारी जो हैं दराज और अमेजोन से रिलेटेड एफिलिएट मार्केटिंग की काफ़ी बड़ी बड़ी साइट्स हैं। यहाँ पे ये देखिए, हम इसको निकालते हैं इस साइड से, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं, है इसमें क्या सिस्टम, ये साइड से आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये हम इसको भी AHR में पुट कर देंगे, यानी कि आपने यहाँ पे हर नीच से रिलेटेड वेबसाइट को टारगेट करना है। ये देखिए, इसका जो DR है 0.9 और इसका आप जूम करके देख सकते हैं 142, ये भी हमारी क्लाइंट टारगेट साइट्स है, ठीक है। आपने अब क्या करना है, इस तरह आपने ये जो है, ये हम इधर आ जाते हैं, ठीक है, ये जो सारी साइट्स हैं, राइट, ये सारी साइट्स हमने यहाँ से कॉपी की, ठीक है, यहाँ से हमने कॉपी की, और हमने जो हमारा ओपन था, हमारी शीट्स ओपन थी, ये हमारी क्लाइंट टारगेट साइट थी, यहाँ पे आपने बहुत सारे URL जो थे यहाँ पे आपने कॉपी किए हैं, राइट, और यहाँ से आपने ये बढ़ा दिए इसको, ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपने DA मेंशन कर देना है, यहाँ पे अपने साइट्स का DR मेंशन कर देना है, यहाँ पे अपने ट्रैफिक मेंशन कर देना है, ठीक है, ये आई थिंक ट्रैफिक, राइट, ओपन टेक मैथ, यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि साइट्स का DA कितना है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा बैचनल्स में DR, ये 13076936, ठीक है, 07, सॉरी ये DR, ठीक है, DR 0, ये 7, ये 0.6, ठीक है, 6, ये 36 था, ठीक है, ये 7, राइट। अच्छा, यहाँ पे ट्रैफिक आ गया है, ट्रैफिक भी बहुत कम होगी, 400 और इसकी 37 है, इसकी 1600, इसकी 142 है, इसकी 15,000 है, तो ये आ गई है पहले ही 146, ठीक है, फिर यहाँ पे रहती है 37, 437, तो यहाँ सेम एंट्रीज आपने पुट कर लेनी है, ठीक है, ये 437 थी, 437 यहाँ पे 40, या आप 40 लगा लें, यहाँ पे आप लगा लें 1600 और 15,000 और 142, 1600 यहाँ पे, यहाँ पे 15,000, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 150 लगा लें, राइट, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेथड, ये आपने जो चीज़ है ना, ये आपने बड़ी ध्यान से की कि आपने इस साइट का कॉन्टैक्ट मेथड आपने किस तरह, लाइक आप ये देखिए,
ये साइट ओपन हो गया, ठीक है, ये साइट थी, ये ओपन थी। अब आप ये देखिए इस साइट का आपने कॉन्टैक्ट मेथड कैसे फाइंड करना है। सिंपल, आपने ये साइट ओपन हो गई है, ठीक है, यहाँ आपने अबाउट अस में जाना है, ठीक है, यहाँ कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होगा जिसे हम राइट पारस, ये देखिए ये इन्होंने कहा है गेटिंग टू ईमेल, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस, हमारे से कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, ये देखिए इनका एक फॉर्म बना हुआ है, राइट, ये आपने फॉर्म फिल करना है, नेम लिखना है आपने, ये सारा कुछ ईमेल, यहाँ पे आपने सब्जेक्ट, यहाँ पे आपने कमेंट, सारा कुछ यहाँ पे लिख देना है। तो आगे हम चलते हैं किसी और वेबसाइट्स पे, ठीक है, हम ये साइट से हम दूसरी साइट ओपन कर लेते हैं स्मार्ट फिटनेस, ठीक है, यहाँ पे आप आइए और ये काम आपको शुरू शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन इसकी आउटपुट बहुत अच्छी है। आपने इस बात से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं होना, ये आसान काम है, मुश्किल नहीं है, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ये काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म फिल हो गया, ये देखिए ये इन्होंने भी अपनी ईमेल लगाई हुई है, ठीक है, मतलब इन्होंने अपना एक फॉर्म लगाया, तो यहाँ आप फिल कर सकते हैं। आप मिसाल ले लीजिए कोई और साइड हम इसमें से निकाल लेते हैं, लाइक आप ये निकाल लीजिए, ठीक है, इसके अलावा आप ये भी ओपन कर लीजिए, ये साइड से रेलिवेंट ही है सब, राइट, यहाँ पे हम सर्च किया, आप यहाँ देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस, ये देखिए यहाँ पे भी ईमेल उन्होंने लिखी हुई है, आप हमारे साथ ईमेल पे भी रब्ता कर सकते हैं और आप हमें ये कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। हमने सिंपल क्या किया, ईमेल ही हमें चाहिए इस साइट पर, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमने ईमेल लिखी, अब आपको ईमेल बताता हूँ। इस तरह आपने सारी वेबसाइट की, आपने जो ऑलमोस्ट डाटा इकट्ठा करना है वो आपने 100+ वेबसाइट्स का इकट्ठा कर लेना है, जिनका DR भी कम है, जिनकी ट्रैफिक भी कम है, जिनका DA भी कम है, वो आपने वेबसाइट वो आपने फाइंड करनी है, वो आपको गूगल के पीछे वाले पेज पे मिलेंगे, लाइक आपको 7वें पेज पे, 8वें पेज पे, 12वें पेज पे, 15वें पेज पे, 30वें पेज पे। आपने इस तरह हर नीश की आपने वेबसाइट को टारगेट करना है, आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को सर्च करना है, वो भी मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूँगा किस तरह लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, किस तरह शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं, हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को सर्च करते हैं, इंशाल्लाह ये भी हम बताते रहेंगे। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो मैं बताता हूँ कि आपने इसको ईमेल कैसे करना है, राइट, और आपने इसको ईमेल में लिखना क्या है। आप यहाँ पे आइए, यहाँ कॉन्टैक्टर्स का फॉर्म ये भी ओपन है, ठीक है, यहाँ न्यू टैब ओपन हो गया, ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ जीमेल पे क्लिक कीजिए, राइट, और यहाँ पे आप ओपन हो रहा है। ये बहुत ही सिंपल है, आपने सारी वेबसाइट्स को, आपने पहले उसकी वेबसाइट को अच्छी तरह एनालिसिस करना है, आपने उसको चेक करना है, ठीक है, कि आप आपकी वेबसाइट कैसी है, उसका इंटरफेस कैसा है, वो दिखने में कैसी लग रही है, उसके जो DADR हैं वो किस तरह के शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 आ गया, ये आपने जिसको ईमेल करनी है, ये आपने इसको ईमेल करनी थी, लाइक ये साइट्स थी, ठीक है, यहाँ से हमने इसे कॉपी किया, राइट, यहाँ पे आए हम और हमने यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दिया, राइट, यहाँ पे सब्जेक्ट बिजनेस इंक्वायरी, या आप ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे पेड गेस्ट पोस्ट, ठीक है, या आप बिजनेस इंक्वायरी कर दें, यहाँ आप लिखें बिजनेस इंक्वायरी, या आप कोई SEO से रिलेटेड लिख दें, या SEO लिख दें, जो आपको बेस्ट लगे, यानी कि आप ज़्यादातर यहाँ पे जो मैं रिकमेंड करूँगा आप बिजनेस इंक्वायरी लिख दें, ठीक है। काफ़ी सारे और भी यहाँ पे मिल जाते हैं आपको टाइटल, आप इसके अलावा ये और कुछ लिख सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हैं योर साइट एट फर्स्ट पेज, अगला बंदा फिर ज़रूर पढ़ेगा कि हमारी वेबसाइट जो फर्स्ट पेज पर आ गई है, या ऐसी क्या चीज़ है
आपने उसको टारगेट करना है कि किसी ना किसी तरह वो आपकी ईमेल खोल ले। लाइक अब आपको यहाँ पे आप उसे कुछ और तो कह नहीं सकते, आप इन्हें बताएं कि जो आपकी वेबसाइट या आई सी योर साइट एट फर्स्ट पेज, ठीक है, आई सा योर साइट रैंकिंग, तो कुछ भी कि मैंने आपकी साइट रैंक होते देखी, तो फिर वो आपको वो ज़रूर ईमेल ओपन करेगा। अब ईमेल के अंदर क्या लिखना है, ओपन तो वो कर लेगा, कुछ ऐसा लिखें टाइटल में कि उसको टाइटल जो शो हो कि आया कि किसी ने मुझे टारगेट किया है, किसी ने मुझे रीच आउट किया है, फाइंड किया है, उसने ऐसा क्या लिखा है। बिजनेस इंक्वायरीज के अलावा और भी, यानी कि यहाँ पे लोग जो गेस्ट पोस्ट करवा रहे होते हैं तो फिर वो शायद ये समझ लें हमारे गेस्ट पोस्ट का कोई ऑर्डर आया, बट आप कुछ ऐसा लिखें कि वो आपका ये टाइटल देखें, ईमेल ज़रूर पढ़ें। अब ईमेल के अंदर क्या लिख रहे हैं हम ये देखते हैं। अब यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, लाइक ये साइट ओपन हुई थी, आप मिसाल ले लीजिए ये साइट थी ओपन, ठीक है, ये थी, ये साइट ओपन हो गई थी, राइट। हम ये साइट को देखते हैं पहले क्या है, होम पेज है, यहाँ पे स्मार्ट है, चीज़ एक्सेसरीज सेल्स स्पोर्ट्स, ठीक है, ये इंटरफेस का उन्होंने एक पिक लगाई, यहाँ पे वॉचिज़ हैं, राइट, यहाँ पे आप क्लॉथ भी निकाल सकते हैं, क्लॉथ से रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ वॉच, ये भी वॉच, ये वॉच से रिलेटेड है। आप ये देखें कि यहाँ पे होम पेज बना है, यहाँ पे वो बंदा क्या कर रहा है, स्मार्ट वॉचिज सेल कर रहा है, ठीक है, मेंस वुमेंस किड्स के स्मार्ट जो भी वॉचिज से रिलेटेड है ना, वो यहाँ पे वो सर्विसेज सेल कर रहा है वेबसाइट के ऑनलाइन। अब आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे पहले टेम्पलेट लिखा हुआ था क्योंकि ये मैं लिखने बैठ जाता तो बहुत सारा टाइम निकल जाना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने आया क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पे आना है, ये मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट कर दी। आपने सिंपल क्या करना है, यानी कि आप वेबसाइट के जो एडमिन है उसका नाम आप देख लें इधर से लिखा होगा, नहीं तो अगर नहीं नज़र आ रहा तो आप उस वेबसाइट को कह दें हेलो मिस्टर हैरी मैंने लिखा है, यहाँ पे आप लिख दें हेलो सर लिख दें, ठीक है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं हेलो सर, ठीक है, आई नोटिस यू आर आ ऑन क्लॉथिस वेबसाइट, यू आर आ ऑन, आप ऑन स्मार्ट वॉचिस, ठीक है, यहाँ पे आप स्मार्ट वॉचिस लिखिए, राइट, स्मार्ट वॉचिस, आई नोटिस मैंने नोटिस किया है कि यू ऑन आ स्मार्ट वॉचिस वेबसाइट्स, कि आपके पास जो आप ऑनर हैं स्मार्ट वॉचिस वेबसाइट्स के, ठीक है, आई बेट यू ऑलवेज लुकिंग फॉर, आई बेट यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर वेज टू इंक्रीज ट्रैफिक एंड गेट मोर कस्टमर्स। वो कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि आप यही इसी चीज़ को तलाश कर रहे होते हैं कि किसी तरह आपकी वेबसाइट्स की ट्रैफिक बढ़े और आपके कस्टमर इंक्रीज हों। वैसे ये तो मैं एक मोस्टली जनरल बात बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले उसे कोई चीज़ सेल करने का नहीं कहना, यानी कि आप उनसे दोस्ती कीजिए, आप उनसे बातचीत कीजिए क्लाइंट के साथ, उनके साथ नए नए आइडियाज़ शेयर कीजिए, उसके बाद आप बताइए कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने अभी तक कोई भी बात कैश पोस्टिंग की सेल्स की नहीं की, फिलहाल हमने उसे पहले इंट्रोडक्शन दिया कि आप एक मालिक हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़े और कस्टमर इंक्रीज़ हो। डिड यू नाउ दैट गेस्ट पोस्टिंग, अब दूसरी लाइन में हमने उनसे बात कर दिए, डिड यू नाउ दैट गेस्ट पोस्टिंग कैन हेल्प दैट, क्या आप जानते हैं कि जो गेस्ट पोस्ट है, अगर आप लिंक बिल्डिंग करवाएं, गेस्ट पोस्टिंग इज अ ग्रेट वे टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट एंड अथॉरिटी विद अ सर्च इंजन। वो कह रहा है अगर आप, मतलब हम कह रहे हैं कि आप यहाँ पर अगर गेस्ट पोस्टिंग करवाएं तो आप गूगल में ट्रस्ट बिल्ड कर पाएंगे, अथॉरिटी बिल्ड कर पाएंगे, आप सर्च SEO में आप रैंक हो जाएंगे, आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, विच कैन रिजल्ट इन हायर रैंक ओवर टाइम, थोड़े ही टाइम में आप रैंक कर जाएंगे, दिस वे योर वेबसाइट रैंक हायर इन गूगल सर्च रिजल्ट एंड इट हेल्प्स टू मेक मोर बिजनेस। तो ये आपके बिजनेस को, ठीक है, ये आपके कारोबार को और भी बेहतर बना सकता है। आई एम अ प्रोफेशनल गेस्ट ब्लॉगर विद ओवर 4 years ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ आप 2 years लिखें, 1 year लिखें या 4-3 years, यहाँ तक लिखें, इतनी बड़ी बड़ी भी गप्पे नहीं छोड़नी कि आपने लिख देना 10 या 12 साल का एक्सपीरियंस। उसने बताया कि मैं प्रोफेशनल हूँ, मैं काम जानता हूँ, आई कैन राइट हाई क्वालिटी गेस्ट पोस्ट फॉर योर वेबसाइट्स, इसके मैं लिख भी सकता हूँ आपकी गेस्ट पोस्ट वेबसाइट्स के लिए, ठीक है, और दैट कैन हेल्प यू रैंक इन हायर गूगल सर्च रिजल्ट्स एंड मेक मोर बिजनेस। आई कैन ऑफर गेस्ट पोस्ट दैट कैन हेल्प यू आर अचीव योर गोल। उन्होंने कहा मैं जो ऑफर दे रहा हूँ गेस्ट पोस्ट का, अगर आप ये चीज़ को सर्विस मेरी आप लेंगे तो आप अपने गोल को जल्दी अचीव कर लेंगे। आई वुड लव टू टॉक यू विद अबाउट हाउ वुड यू इम्प्रूव योर वेबसाइट्स रैंकिंग एंड गेट मोर कस्टमर्स, वुड यू बी इंटरेस्टेड इन हायर मोर अबाउट योर सर्विस। वो कह रहा है कि अगर आपको हमारी सर्विसेज में इंटरेस्ट है तो आप हमारे से ज़रूर रब्ता कीजिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप हमारी सर्विसेज ज़रूर लीजिए, ठीक है, बेस्ट रिगार्ड्स, आगे लिखा हुआ पुराना, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हैं। तो एक सिंपल,
जैसे ये सारी बात करने का मकसद ये है कि आपने क्या किया, वेबसाइट को विजिट किया, उसका इंटरफेस कैसा है, ये कैसा है, आपने बताना है कि नो डाउट आपका साइट बहुत अच्छी है, यहाँ पे आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, आप DADR आपके पास टूल होंगे, आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट ऐड कीजिए ईमेल में कि हमने आपकी वेबसाइट में विजिट किया, वहाँ पे DR इतना था, DA इतना है, उसका स्पैम स्कोर ये है, इस पर ट्रैफिक ये है, कुछ ग्राफ्स की आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। इंशाल्लाह मैं शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स इंशाल्लाह मैं आपको वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा। अब काफ़ी आइडियाज़ हैं, ये इंशाल्लाह एक बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। यहाँ बड़े बड़े क्लाइंट्स काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़, आप बहुत ही डिफरेंट वे से आप उन्हें ट्रैक कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एक बेसिक्स या इंट्रो था कि आप किस तरह गूगल पे क्लाइंट फाइंड करें, किस तरह आप वो वाली वेबसाइट फाइंड करें जो रैंक नहीं हो रही, जो गूगल के पिछले पेजों में पड़ी है, आप उनसे बात कीजिए, वो अच्छे आपके क्लाइंट्स बन सकते हैं। अगर उनके साथ आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो वो आपको इजीली $50-$80 में एक गैस पोस्ट वो आपसे बाय कर सकते हैं। तो वो मंथली अगर आपसे 10-15-20 में ज़रूरत होगी, 20 वेब्स गैस पोस्ट की वो इजीली कर लेंगे, तो आप अंदाज़ा लगाइए एक क्लाइंट से आप कितना बजट निकाल सकते हैं, कितना पैसा आप एक क्लाइंट से अर्न कर सकते हैं। तो इसी तरह हम भी काम कर रहे हैं, तो आप भी ज़रूर काम कीजिए। बस ये आपने इस बात से टेंशन नहीं लेनी कि आपको ईमेल्स में लोग जवाब नहीं दे रहे, यहाँ पे कोई भी आपको कोई गाली नहीं निकालेगा। गोरों से जब भी आप क्वेश्चन करेंगे, जब भी आप उनसे बातचीत करेंगे, तो गोरे आपको ज़रूर रिस्पॉन्स करेंगे। आपने धक्के से किसी को कुछ चीज़ नहीं बेचनी, बस ये है कि आपने कोशिश करनी है, आपने मेहनत करनी है, ठीक है, अल्लाह पाक से साथ साथ दुआ भी करनी है, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अर्निंग कर पाएंगे अगर आप स्टिल मेहनत करेंगे। बट अगर आप कहें 2 दिन ईमेल किए और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, आप 1 मंथ, यहाँ पे तो लोग जो हमारे साथ काम करें उनको 3-3 मंथ 4-4 मंथ हो गए ईमेल्स करते हुए, बट अभी तक किसी क्लाइंट के साथ ऑर्डर्स तक वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन कुछ हैं जो 1 मंथ में ट्रैक कर लेते हैं, ये तो सारी कम्युनिकेशन की बात होती है। तो इंशाल्लाह ये सारा कुछ मैं वीडियोज़ में शेयर करता रहूँगा, और मैं आपको खुद विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स मैं आपको कुछ क्लाइंट्स के स्क्रीनशॉट, क्लाइंट्स के साथ जो बातचीत है, जो मैं काम कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं कुछ शेयर करूँगा। और इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।